अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ सीएसएस। इसमें हम सीएसएस की जो रिमेनिंग हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि बूटस्ट्रैप का ओरिजिन क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, फिलहाल हमारी असाइनमेंट वन के बाद जो तीन टॉपिक्स हैं फॉन्ट्स, बॉक्स मॉडल, असाइनमेंट टू, वो रह गए थे, वो हम इसमें कवर करेंगे। बट उससे पहले असाइनमेंट वन जो हमने की थी उसमें मैं आपको एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ। वो मैं जो फेसबुक में मुझे फॉलो करते हैं उनके उनके लिए ग्रुप में मैं तो मैंने पिक्चर से पोस्ट करके दिखाया था। अभी का अगर कोई वीडियो देख रहा है जो मेरे फेसबुक ग्रुप पे नहीं है तो मेरे चैनल की होम पेज पे जाएं, राइट बॉटम कॉर्नर जो मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल का बैनर है उस पर फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। सो यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप और वहाँ पर आप कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी इन कोर्सेज से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड। सो मूविंग ऑन टू वी एस कोड, ये हमारा लास्ट पार्ट था जिसको हम जिस पर हमने अपना पिछला लेक्चर जो था उसको क्लोज किया था। अब आपको याद होगा कि इसमें हमने लिख के एक एक क्लास डिफाइन की थी, उस क्लास के हमने स्पेसिफिक जो है स्टाइल्स डिफाइन कर दिए थे। काफ़ी टाइम लग गया था बिकॉज वी वर कॉपिंग अ स्पेसिफिक स्टाइल। इन केस आप एक स्पेसिफिक स्टाइल कॉपी नहीं कर रहे, आपने बस जनरली एक खूबसूरत सी जी ओ आई बनानी है, तो उसके लिए यू कैन ईजिली यूज़ चैट जी पी टी। चैट जी पी टी के साथ मैंने क्या किया, अपना यही कोड एच टी एम एल का चैट जी पी टी में मैंने रिप्लेस किया और मुझे कहा कि इसकी अच्छी सी मुझे सी एस एस फाइल बना दे यूजिंग ओपन ए आई डार्क थीम। तो अब उसके रिजल्ट्स देखें यहाँ पे, उसने इस एच टी एम एल के साथ तो कोई खास चेंज नहीं किया, जहाँ पे उसने कुछ एडिशनल क्लासेस इस तरह करके डालनी थी वो मे भी उसने डाल दी, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। मेन चीज़ उसने ये सी एस एस फाइल जनरेट की। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी सी एस एस फाइल है जो हमने बनाई थी, अगर आप इसको देखें तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एक दो मिनट के अंदर जनरेट करना। अब आप इसके रिजल्ट्स देखें, इसका अगर मैं कॉपी पास्ट करूँ एंड पुट इट हियर, ये देखें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है ना, ये वो चीज़ जो हमने स्टाइल की। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम कोई ह्यूमन इसको स्टाइल कर रहा है तो वो बुरा करेगा, ऑब्वियसली अगर हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो इस चीज़ को मैच कर सकते थे, बट ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखकर हो गया और इस पर हमें मे बी 15-20 मिनट लगे थे इस तरह इस पूरी स्टाइलिंग को कंप्लीट करने में। सो दिस इज़ द यूटिलिटी जो आप स्टाइलिंग को अपनी इम्प्रूव करने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए डिफरेंट किस्म की प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको एक सी एस एस फाइल जनरेट कर देगा, उसको आप अपने एच टी एम एल कोड दें और उससे क्या मुझे इसकी सी एस एस फाइल बना दें, बाकी सारे एडिशनल उसको इंस्ट्रक्शन दे दें कि मुझे सी एस एस फाइल में ये स्पेसिफिकेशन। मैंने जो उसको स्पेसिफिकेशन दी थी मैंने कहा था डार्क थीम हो, डार्क बैकग्राउंड हो और ओपन ए आई वाले कलर्स हों, चैट जी पी टी वाले कलर्स हों, तो उसने मुझे उस तरह की बना दी थी। सो मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ फॉन्ट्स, फॉन्ट्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, मेरे पास पहले से कोड अवेलेबल है फॉन्ट्स के लिए, ये मैंने पोस्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें आपको मेरे साथ साथ टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोड आपके पास गिटहब की रिपॉजिटरी में अपडेट हो जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। उसमें एडवाइस ये है कि जब आप डाउनलोड करते हैं रिपॉजिटरी तो एच टी एम एल के जो सारे पेजेस हैं उनको बेशक आप रखें सेम फॉर्मेट में, सी एस एस वाली सारी फाइल्स आप डिलीट कर दें बिकॉज वी आर लर्निंग सी एस एस, उसको आप कॉपी ना करें, उसको आप खुद बना के देखें सी एस एस को जो जिस जिस तरह वीडियोज़ में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। सो फॉन्ट्स जो हैं, फॉन्ट्स अप्लाई करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। अब ये देखें यहाँ पर जो फॉन्ट अप्लाई हुआ हुआ है, ये आप डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी सी एस एस फाइल है, सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ कि फॉन्ट्स की हमारे पास बिल्ट इन ऑप्शन क्या है। ठीक है, अब फर्श करें पहले तो मैं इसको लोड कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हाउ डील विद द फॉन्ट्स, फॉन्ट्स के लिए सी एस एस का क्या ब्लॉक होता है। ओके, ओके, ये सिंपल सी एक चीज़ लिखी हुई है, ये लोरे में ये प्लेस होल्डर है, ये जनरली आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई वेबसाइट ब्लैंक हो तो उसमें ये लिखा होता है, ये लैटिन सेंटेंस है, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम फॉन्ट सीख रहे हैं, फॉन्ट पे फोकस करेंगे। सो आई विल क्रिएट अ सी एस एस फाइल फॉन्ट्स डॉट सी एस एस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है फॉन्ट्स हम रखें, फॉन्ट सीख रहे हैं इसमें फॉन्ट डॉट सी एस एस रख लिया, आप इसमें इस पूरे डॉक्यूमेंट की हर तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड शैकग्राउंड सब कुछ, ज़रूरी नहीं है सिर्फ फॉन्ट्स। अब मैं कहता हूँ मैंने इस हेडिंग वन को डिफरेंट तरीके से स्टाइल करना है, तो जिस तरह आप टेम्पलेट टैग जो ये एच टी एम एल टैग है ये यूज़ करते हैं कि एच वन की क्या स्टाइलिंग है, उसी तरह
फॉन्ट्स में आपने H1 लिख के वही काम करना है। अब इसमें फर्क सिर्फ सिर्फ ये है कि आप वैसे बाकी चीज़ें कह रहे थे, बैकग्राउंड कलर वगैरह, लेट से इसको हम ग्रे कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसके रिजल्ट देख लें तो नो आई डोंट वांट टू ट्रांसलेट, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने फॉन्ट्स डॉट सी एस एस को लिंक नहीं किया हुआ। फॉन्ट्स डॉट सी एस एस, ठीक है, अब ये आ जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड ग्रे हो गया। मकसद यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रे करना इतना सिर्फ बता रहा हूँ कि जिस तरह टैग्स के अंदर आप बाकी चीज़ें डालते हैं उसी तरह फॉन्ट भी एक स्टाइल है। तो फॉन्ट अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, फॉन्ट फैमिली इसका प्रॉपर्टी नेम होता है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली में जो आपके पास अवेलेबल फॉन्ट्स है ना, वो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लेट से कोई फॉन्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, अभी एक फॉन्ट का मैंने नाम लिखा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फॉन्ट अवेलेबल नहीं होगा, मतलब जो आप फॉन्ट आपके पास अवेलेबल हो आप वो लिख सकते हैं। लेट्स ट्राई सम अदर फॉन्ट, ये देखें फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स डाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब अगर फॉन्ट फैमिली अगर मैं कोई और राइटिंग डालूँ, असल में आप यहाँ पे सिर्फ वो फॉन्ट्स डाल सकते हैं जो बिल्ट इन है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि अपने बिल्ट इन फॉन्ट्स बढ़ाने का क्या तरीका होता है। अच्छा, ये तो आगे की फॉन्ट फैमिली क्या है, लेट से हम फिलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं कि हमने फॉन्ट फैमिली क्या यूज़ करनी है, इस पूरे को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स डिलीट इट फॉर नाउ, हम देखते हैं और फॉन्ट्स के साथ हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर हम पैराग्राफ पे चले जाएं अपने एंड वी मेक इट से फॉन्ट साइज 10px, ठीक है, ये देखें फॉन्ट साइज चेंज हो गया, ठीक है, एक ये चीज। अच्छा, अब एक और इसमें चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेट मी चेक इसमें एक और फॉन्ट है कि नहीं है। लेट्स अप्लाई द फॉन्ट फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस, ठीक है मोनोस्पेस, ओके, ये एक अलग फॉन्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट साइज मैंने 10 कर दिया और फॉन्ट फैमिली जो मोनोस्पेस कर दिया। अभी एक और चीज, आपने बाकी चीजों का जब फॉन्ट डिफाइन करना हो और एक रेफरेंस से डिफाइन करना हो कि इसके मुकाबले में बाकी फॉन्ट कितना बड़ा होगा, ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि इसके एचटीएमएल में चले जाएं, यहाँ से ये फॉन्ट जो है ना ये पी पे अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इसका चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी आईडी को एड्रेस करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये किसका चाइल्ड है। अब ये जो पी है ना ये आ रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। लेट से आप पूरी बॉडी को एक फॉन्ट साइज दे देते हैं, लेट मी गो बैक टू द फॉन्ट, यहाँ मैं सिर्फ फॉन्ट साइज दूंगा, फॉन्ट फैमिली नहीं दूंगा, ठीक है, बॉडी को से 20। अच्छा, अब भी एक दफ़ा यहाँ पे वीडियो रोक के देखें कि मैंने बॉडी का फॉन्ट साइज चेंज किया है तो इसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, आपने जो भी जवाब सोचा, जवाब ये है कि आप यहाँ से बॉडी का अगर चेंज कर देंगे, बॉडी के अंदर ये भी आ रहा है, स्टिल इसका फॉन्ट साइज चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये देखें फॉन्ट साइज चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फॉन्ट साइज कैसे चेंज होगा, जब आप इस अंदर वाले चाइल्ड को इस फॉन्ट पे डिपेंडेंट करेंगे, अदरवाइज अगर मैं इसका यहां से ये हटा दूं ना, कमेंट कर दूं, तब तो बॉडी वाला स्टाइल इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखें जो 20 हो गया, इन केस मैंने इसका अलग से डिफाइन किया हुआ है, तो जो चाइल्ड होता है अगर आप उसका अलग से कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे तो वो उसकी पेरेंट की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देगी, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि इसको अपने पेरेंट के साथ रिलेट करना है, मैं कहूँ कि इसका फॉन्ट साइज इसके फॉन्ट साइज से दुगना होना चाहिए, ठीक है। वो आपको यहाँ समझ नहीं आएगा क्योंकि पूरे पी पे अप्लाई हो जाएगा, इसके लिए हम जाते हैं
अगले वाले पे हम स्पेसिफिकली आईडी पे अप्लाई करते हैं, सेकंड पैराग्राफ पे हम सिर्फ फॉन्ट अप्लाई करेंगे, साइज अप्लाई करेंगे, ठीक है। आईडी टू है तो उसको हम कैसे करेंगे, हैश टू लिख के, ओके। फॉन्ट फैमिली डिफाइन करने की लगती जरूरत नहीं है क्योंकि पी में हो गया तो इस पे भी वो आ जाएगा, फॉन्ट साइज अभी भी टू है, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये वाला जो फॉन्ट है ये अपने पेरेंट का कुछ मल्टीपल होना चाहिए, तो उसके लिए लिखा जाता है ईएम लिखा जाता है, और कितने टाइम्स है वो अपने पेरेंट का, वो ईएम से पीछे आप नंबर लिख देते हैं। लेट्स से मैं कह देता हूँ ये टू टाइम्स अपने पेरेंट से बड़ा है, तो ये यहाँ पे क्या फॉन्ट आएगा, दैट विल बी, वो ये देखेगा कि इसके ऊपर इसका पेरेंट क्या फॉन्ट साइज अप्लाई करे। अब इस टू का पेरेंट क्या है, इस टू का पेरेंट बॉडी है या पी है, लेट्स डिस्कवर इट। पहले देखते हैं ये हो रहा है या नहीं, ये देखें जी टू टाइम्स हो गया। अब वो टू टाइम्स 10 का हुआ है या 20 का हुआ है ये जानने के लिए इसको हम यहाँ से चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से साइज आधा कर देते हैं लेट्स से, तो कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ इस पहले पैराग्राफ का साइज चेंज हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी प्रॉपर्टी पे अप्लाई करेंगे, जिस भी टैग के अंदर वाली किसी एट्रीब्यूट पे अप्लाई करेंगे, वो अपने पेरेंट पे जाएगा। अब टू किसकी आईडी थी, टू यहाँ पर पी टैग की आईडी थी और पी का पेरेंट जो है वो बॉडी है, तो बॉडी पे जो फॉन्ट साइज अप्लाई हुआ होगा यहाँ पे आप ईएम लगाएंगे तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा दरमियान वाले से, इसलिए मैंने दोनों पैराग्राफ्स को अलग अलग एड्रेस किया, इसको आईडी दी है इसको नहीं दी, ताकि ये फ़र्क आपको दिखाया जा सके, ठीक है। ये आपको रेफरेंस्ड साइजिंग का यहाँ से आइडिया हो गया। इसको हम लेट्स से 0.5 अगर कर लें तो इसका साइज भी 10 पिक्सल्स हो जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा, ठीक है। लेट्स डू इट, ये देखें जी दोनों साइज बराबर हो गए। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये जूम करके बड़ा हुआ है, फॉन्ट साइज चेंज नहीं किया मैंने, ओके आगे चलते हैं। उसके अलावा फॉन्ट की प्रॉपर्टी, जिस तरह HTML के अंदर फॉन्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती थी, यहाँ पे भी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या तरीका होता है, जिस तरह वो हम बोल्ड इटैलिक HTML के अंदर कर सकते हैं, हम CSS के अंदर भी कर सकते हैं। फॉन्ट फॉन्ट साइज फैमिली की बात होगी, फॉन्ट स्टाइल पे आते हैं, फॉन्ट स्टाइल हो सकता है इटैलिक, इनहेरिट, इनिशियल, ठीक है। इनहेरिट ये होगा वो पेरेंट का इनहेरिट कर लेगा, वैसे बाय डिफॉल्ट तो करते ही है, लेकिन यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर लेंगे। ये देखें जी इटैलिक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, फॉन्ट वेट, इसको यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, ठीक है। और भी उसमें मल्टीपल फॉन्ट वेट के ऑप्शंस हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की भी ऑप्शन होती है फॉन्ट के अंदर ही। मैं कहता हूँ ये जो इसकी अलाइनमेंट है ना, ये इसको मैं छेड़ना चाहता हूँ। लेट से इस पी की अलाइनमेंट में हम अगर बात करें टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई करूँ, जस्टिफाई क्या होता है, जब वर्ड में जस्टिफाई करते हैं दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, जस्टिफाई हो गया। हेडिंग को मैं सेंटर करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट अलाइन करूँगा, सॉरी बॉडी का नहीं, हेडिंग का टैग ही हमने मिटा दिया था, H1 दोबारा लगा लेते हैं और इसका हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। ये लें जी हेडिंग सेंटर में आ गई हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि ये जो फॉन्ट डिफरेंट अप्लाई करना है, अभी तो मोनोस्पेसिस में पहले से अवेलेबल था, अब मैं डिफरेंट किस्म की अगर फॉन्ट्स अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं जो ये इसमें गिटहब की फाइल अपलोड करूँगा, इसमें मैंने लिंक्स दिए हैं डिफरेंट फॉन्ट्स की लाइब्रेरीज के, ठीक है। इसमें ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके अलावा ये गूगल की लाइब्रेरी है, दो लाइब्रेरीज के मैंने आपको लिंक्स दिए हुए, ठीक है। वन इज़ फॉन्ट लाइब्रेरी डॉट ओ आर जी एंड अदर इज़ फॉन्ट्स डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है। ये जो दरमियान में ये लगाया हुआ है ना, इट इज़ बेसिकली द लिंक जिसके बाद वो सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से कोई फॉन्ट अवेलेबल करना चाहता हूँ, वो बंगी शेड जो मैंने पहले लिख दिया था गलती से, वो एक्चुअली यहाँ गूगल से आ रहा था, ठीक है। ये कैसे डिस्कवर होगा, यहाँ से आप fonts.google.com पे जाएंगे,
लेट से आपको कोई यहाँ पे फॉन्ट पसंद आता है, से मुझे तो कोई पसंद नहीं आ रहा है इनमें से। ओके दिस वन, ये हम हेडिंग के लिए रख के देखते हैं क्या होता है। सिलेक्ट, अच्छा अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास फॉन्ट लिंक करने की और फॉन्ट इंपोर्ट करने की। ठीक है, हम लिंक करेंगे, हम सीधा सीधा उसका लिंक डाल देंगे तो ये वाला फॉन्ट आ जाना चाहिए। ओके दिस इज द लिंक। ठीक है, लेकिन उसने पूरा कॉपी करने को कहा तो हम ये तीनों लिंक्स कर लेते हैं, सो देयर इज नो डाउट दैट इट वर्क्स। ठीक है, उसने ये तीन लिंक्स हमें कहे कि आप ये डाल लें, तो आपका ये प्री कनेक्ट कुछ होगा कि गूगल फॉन्ट से किसी तरह कनेक्ट होता होगा। उसके बाद मेन जो फॉन्ट का लिंक है ना, दैट इज दिस वन। ठीक है, टिल्ट प्लस प्रिज्म इस फॉन्ट का ये नाम है। ठीक है, उसने यहाँ पे आपको इसका लिंक दे दिया। ठीक है, अब इसका फैमिली नेम जो है वो मैं अप्लाई करूँगा। क्या फैमिली नेम है? टिल्ट प्रिज्म और कर्सिव। ठीक है, लेट्स ट्राई अप्लाइंग दिस ऑन द हेडिंग। आप ये देखें जो बिल्ट इन फॉन्ट्स हैं ना, वो आप यूँ डायरेक्ट लिखते हैं, और जो आपके इंपोर्टेड फॉन्ट्स होते हैं वो आप इस तरह स्ट्रिंग बना के लिखते हैं। लेट्स सी अप्लाई होता है कि नहीं होता। ओके मे बी मैंने एच टी एम एल को सेव नहीं किया तो शायद वो लोड ना हुआ। ओके इट गॉट द फॉन्ट। ठीक है, ये आपका फॉन्ट यहाँ से अपडेट हो गया, जो हमने नया फॉन्ट उठाया। उसी तरह आप इसके जो आपकी राइटिंग है उसके लिए आप एक अलग फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। अभी पैराग्राफ है, मोनोस्पेस अप्लाई हुआ हुआ है, पैराग्राफ को मैं कर्सिव कर दूँ। अच्छा जी, ठीक है, ये वाला जो कर्सिव है ना, ये वहाँ से आ रहा है जो हमने फॉन्ट यहाँ से लिया है। अच्छा, इसके अलावा हम और भी डिफरेंट फॉन्ट्स पे जा सकते हैं। कोई और मैं फॉन्ट लेना चाहता हूँ जो मुझे अपनी राइटिंग के लिए चाहिए। लेट्स से ओके, अब यहाँ से इस फॉन्ट के बजाय हम दूसरी वाली रिसोर्स को एक्सप्लोर करते हैं। गूगल तो हमने देख लिया है कैसे अप्लाई होगा यहाँ का फॉन्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं इस फॉन्ट्स लाइब्रेरी डॉट ओ आर जी। यहाँ से मैं कोई फॉन्ट ले लूँ। ओके ये मुझे पसंद आ रहा है, इस फॉन्ट पे मैंने क्लिक किया। एंड वेयर इज द लिंक टू अप्लाई दिस फॉन्ट? ओके इज द लिंक। ठीक है, ये किया और आगे उसने मुझे बताया हुआ है ये आपने फॉन्ट फैमिली अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ से इस पुराने लिंक को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डाल देता हूँ। सो वी हैव गॉट दिस फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेसिकली ये वाली जो राइटिंग यहाँ पे है इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू द फॉन्ट सीएसएस। यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसके ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे एंड लेट्स सी हाउ दिस चेंजेस। ये देखें जी, ये डिफरेंट किस्म का फॉन्ट लोड हो गया जो हमने वहाँ से अभी पकड़ा है। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट फॉन्ट। इससे ज़्यादा फॉन्ट में सीखने वाली कोई चीज़ें नहीं है। जो आपको फॉन्ट पसंद है उसको लाएं और फॉन्ट फैमिली में डाल दें। ठीक है, फॉन्ट को डाउनलोड भी करने की ज़रूरत नहीं है, फॉन्ट का जस्ट आप ये लिंक ऐड कर दें तो आपके पास वो फॉन्ट, उस फॉन्ट की एक्सेस आ जाती है। ठीक है, हाँ लिंक में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपका एक लोड टाइम होता है, वो डिफरेंट
फॉन्ट्स का डिफरेंट टाइम होता है, ठीक है, वो वेरी कर सकता है। गूगल आई थिंक ये बताता है कि किस फॉन्ट को लोड होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो गूगल की एपीआई से उस फॉन्ट की डिटेल्स कॉल कर रहा होता है, तो दिस मे वेरी कि वो कितनी देर में लोड होना है। ये कहीं यहाँ कहीं पे लिखा होता है कि इसका लोडिंग टाइम क्या है, आई डोंट रिमेम्बर, बट अगर आपको नज़र आए तो आप देख लीजिएगा। बट एक ये फैक्टर है कि कुछ फॉन्ट्स जो होते हैं वो देर में लोड होते हैं, कुछ कम देर में लोड होते हैं, और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ फॉन्ट्स मैक ओएस पे चलते हैं, कुछ फॉन्ट्स मैक ओएस में नहीं चलते, कुछ विंडोज़ पे चलते हैं, कुछ विंडोज़ पे नहीं चलते। वो आप करके देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ बॉक्स मॉडल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हम हमारी जो पैडिंग होती है, जो कंटेंट को हम नीटली अरेंज करते हैं। अभी आप यहाँ पे भी देखें, ये एक वेबसाइट बनी हुई है, इस डब्बे के दरमियान और इस डब्बे के दरमियान एक थोड़ा सा फासला है, वो फासला किस तरह प्रोग्राम होता है, किस तरह कोड में आता है, उस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल का अगर मैं आपको इमेज दिखा दूं, दिस इज़ द बॉक्स मॉडल, ठीक है। चलें इसको यहाँ पर स्क्रीन खोल के रखते हैं। सो बॉक्स मॉडल क्या है? आपका जो सबसे अंदर नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ कंटेंट, जो आपका आपकी चीज़ लिखी हुई है, आपका असल में जो भी पोर्शन है ना, लेट से कोई भी आपने सेंटेंस का ब्लॉक बनाया, कोई पैराग्राफ डाला है लेट से, वो इन सारे चीज़ों का एक मजमुआ होता है, ठीक है। सबसे अंदर उसका कॉन्टेंट होता है, उसके बाहर पैडिंग होती है, ठीक है, उसके बाद बॉर्डर होता है, बॉर्डर के बाहर मार्जिन होता है, मार्जिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने दो चीज़ों का, लेट्स से दो बटन्स बनाए हुए हैं, उनका आपस में फासला देना है, तो आप उनका मार्जिन बढ़ाएंगे, ठीक है, वो क्योंकि उसके बॉर्डर से उसको अवे पुश करेंगे। आपने बॉर्डर के अंदर वाला जो कंटेंट है उसके अंदर स्पेस ज़्यादा देनी है, तो आप पैडिंग करेंगे। इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। सो बॉक्स मॉडल के लिए भी मैं एक फाइल बना लेता हूँ, बॉक्स मॉडल डॉट html, एक एग्जिस्टिंग html आसान सा मैं कॉपी करूँगा। इसके लिए css फाइल जो है हम बॉक्स मॉडल के नाम से रख लेते हैं, बॉक्स अंडरस्कोर मॉडल डॉट css। इस फाइल को मैं क्रिएट भी कर देता हूँ, बॉक्स मॉडल डॉट css, और अभी हम लेट मी जस्ट क्विकली नेम दीज ताकि ये अरेंज रहें अपनी तरतीब में। इसको मैं gpt असाइनमेंट का ही नाम दे देता हूँ, असाइनमेंट वन का gpt वर्जन है, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो असाइनमेंट वन gpt वर्जन, ताकि चीज़ें अरेंज हो जाए ना, आप जब ढूंढें तो आपको तरतीब से मिल रहे हो सारे लेसन्स। यहाँ से इसको जब मैंने करना है तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, असाइनमेंट वन gpt वर्जन css, ठीक है। और ये जो भी हमने फॉन्ट्स की बात की, ये हमारा बन जाएगा पार्ट 4। ओके, सॉरी फॉर दिस लिटिल अरेंजमेंट, ठीक है। आपके पास जब ये गिट की रिपोजिटरी आए तो आपके पास चीज़ें तरतीब से अरेंज हो, ये मकसद था इसको करने का। सो लेट्स लोड दिस वन, ओके, बॉक्स मॉडल तो रह गया,
45। यहां से बॉक्स मॉडल में पार्ट 5 ठीक है जी। अब इसको कॉपी करेंगे हम, हियर वी गो, टॉप बॉटम ठीक है। अब ये बेसिकली दो अलग अलग हेडिंग्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन, जिनकी इस प्लेसमेंट से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो पैडिंग का कॉन्सेप्ट है, मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने इसमें एक को आईडी दी हुई है टॉप की, एक को आईडी दी हुई है बॉटम की, ताकि मैं दोनों को अलग अलग हैंडल कर सकूँ। सो यहाँ से मैं एक स्टाइलिंग करता हूँ टॉप की, एक स्टाइलिंग करता हूँ बॉटम की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लेट से अगर मैं इसका बॉर्डर बनाता हूँ, बॉर्डर की में ना आप सब की जो उसकी नोटेशन होती है, सबसे पहले आप बॉर्डर की विड्थ देते हैं। लेट से हम यहाँ पे दे देते हैं 4 pixels, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर की टाइप देते हैं, इट कैन बी सॉलिड, ठीक है, इट कैन बी डैश्ड, इट कैन बी डॉटेड, ठीक है। फिलहाल हम सॉलिड कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूस बॉर्डर होता है जो सॉलिड होता है, ठीक है, हमने पिछले असाइनमेंट में डैश्ड किया था, ठीक है। सॉलिड में भी पिंक कर लेते हैं, ठीक है, पिंक बहुत लाइट हो जाएगा, पर्पल कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी यहाँ पे आता कैसे, ये देखें, अब ये देखिए इसका बॉर्डर तो आ गया, लेकिन ये बॉर्डर ख़त्म होते साथ अगली चीज़ तो नहीं शुरू हुई ना, ठीक है। तो ये जो इसके नीचे आ रही है, दिस इज मार्जिन, जो ऊपर आ रहा है दिस इज मार्जिन। इसका बॉर्डर के बाहर वाले ये जो डिस्टेंसेज हैं ना, दीज आर, ये देखें, बॉर्डर के बाहर वाली चीज़ को आप मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और बॉर्डर और इस टॉप के अंदर ये जो थोड़ा सा आपको ये गैप नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, दैट इज पैडिंग, ठीक है। आप पैडिंग को भी चेंज कर सकते हैं, आप मार्जिन को भी चेंज कर सकते हैं, और आप इटसेल्फ बॉक्स की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और देखते हैं अब मार्जिन डालने का क्या तरीका होता है। एक तो होता है मार्जिन ऑटो, ऑटो में क्या होता है, वो अपने आप घर से वैसे ही बैलेंस कर लेता है, ये देखें जी, ठीक है। मैनुअली मार्जिन डालने का क्या तरीका, देखें भाई, नेसेसरी गैप टॉप पे था तो उसने ऑटो पे करके अपने आप खुद ही सही कर लिया। अच्छा, मैं लेट से डालता हूँ 10 pixels, 20 pixels, 100 pixels, 400 pixels, सारे डिफरेंट डाल रहा हूँ। बेसिकली हम सारी साइड्स के मार्जिन इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं, ये देखें, ऊपर का, नीचे का, लेफ्ट का, राइट का। लेट्स रिफ्रेश दिस एंड सी व्हाट हैपेंस, ये कहाँ चला गया, ये देखें जी, ये टॉप जो है वो उस कोने में पुश हो गया। क्यों पुश हो गया, उसको उसका मार्जिन जो है उस तरफ धक्का दे रहा है। सो विच इज दिस मार्जिन, दिस वन, ये देखें जी, ये जो यहाँ से गैप है ना, बेसिकली लेफ्ट मार्जिन आप एंड पे लिखते हैं, ठीक है, बॉटम मार्जिन जो है आप थर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, टॉप मार्जिन आप सबसे पहले लिखते हैं और राइट मार्जिन आप सबसे सेकंड पे लिखते हैं। इसके लिए सीक्वेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपने करना है कि जिस तरह घड़ी चलती है ना, टॉप से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज चलते जाना है, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, सो दिस इज टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, ये तरीका है। मार्जिन भी आप इसी तरह करते हैं, पैडिंग भी आप इसी तरह करते हैं, ठीक है, अगर आपने इतनी डिटेल में करनी है। सो लेफ्ट वाला मार्जिन जो है उसको मैं से ज़ीरो कर देता हूँ, 0px करना पड़ेगा, सॉरी टॉप है, ये टॉप मार्जिन है, ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने टॉप पे चला गया। लेफ्ट वाले को लेट से मैं 220 कर लेता हूँ, बहुत राइट पे चला गया है ना, ये देखें जी वापस आ गया। उसके बाद टॉप के बाद ये जो राइट है इसको मैं 400 कर देता हूँ, ताकि वो राइट साइड पे इतना बॉर्डर ना खींच के जा रहा हो, ठीक है जी। चल, ये तो आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम कह देते हैं कि इसके अंदर अगर जो टेक्स्ट है उसको आपने सेंटर में करना है, इसके लिए सिंपल सी कमांड है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब लाइन और टेक्स्ट लाइन में क्या फ़र्क है, इस वाले लाइन में जो हमने पिछले में किया था
इसमें भी कोई हमने अलाइनमेंट की थी ना टेक्स्ट। अच्छा ठीक है, इसमें भी टेक्स्ट अलाइन किया तो ओके फाइन। जो अपनी अलाइनमेंट होती है वो ये होती है कि इस बॉक्स ने कहाँ पे जाना है, पूरे बॉक्स में। अभी तो उसके अंदर का टेक्स्ट इधर उधर जा रहा है ना, ठीक है। इसने विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल जो भी बॉडी है एचटीएमएल की, उसमें कहाँ जाना है उसको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बॉटम उसके बाद इस वाले को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, इसमें यही चीज़ें कॉपी कर देते हैं। लेट्स सी हाउ इट अपीयर्स। अच्छा अब इसमें मैं कहता हूँ कि मार्जिन की जगह अगर मैं सिंगल इसको आर्ग्यूमेंट देता हूँ 200px, लेट्स से। जब भी आप सिंगल देंगे ना तो वो हर तरफ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। टॉप राइट लेफ्ट डाउन हर तरफ अप्लाई हो जाएगा, मतलब इसको भी अगर मैं सिंपल अगर एक वैल्यू दे दूँ तो हर तरफ अप्लाई हो जाएगा। अगर आप या तो आप एक पे अप्लाई करेंगे या आप चारों पे अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दो पे कर दें तीन पे कर दें, आइदर यू राइट वंस और या फिर फोर टाइम्स, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। अच्छा उसके बाद आपको जितना पेज नज़र आ रहा है उसमें ये कंटेंट जो है कितनी जगह घेरेगा, ठीक है। ये जो बॉटम है मैं कहता हूँ ये जो ये पार्ट है ये इस पूरे बॉडी की स्पेस में कितना हिस्सा लेगा अपना, तो उसके लिए होता है विड्थ। विड्थ की आप 1% सेट कर देते हैं, ये देखें जी 75%, 50%, ठीक है। तो ये है कि आप कितनी स्पेस ले रहे हैं। अब ये 50% का मतलब ये है कि यहाँ पे ये देखें एक कुछ स्पेस ये है राइट पे इसकी और कुछ स्पेस ये है, तो इन दोनों स्पेस को प्लस कर दें तो उतनी स्पेस होगी जितने इस डब्बे की है, क्योंकि ये 50% पे डिफाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए फाइनल हमारी चीज़ रह गई, दैट इज पैडिंग। बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गया, देन पैडिंग। पैडिंग हम करके देखते हैं 200 पिक्सल, इससे क्या होता है हर तरफ 200 पिक्सल की पैडिंग हो गई। तो जिस तरह मैंने बताया कि पैडिंग जो है आपकी ये अंदर जो लिखा हुआ है इससे और बॉर्डर के दरमियान में जो चीज़ बन रही है ये पैडिंग है, और इससे बाहर के जो डिस्टेंसेज हैं वो मार्जिन है। आई होप ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। पैडिंग आप इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग, मार्जिन भी आप इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, ठीक है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं और लेफ्ट पे हम 100px और टॉप पे हम 5px रख देते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखें जी चेंज हो गया, 0px कर दूँ क्या होगा, ये देखें जी और क्लोज चला गया बॉटम उसके। तो पैडिंग डिफाइन करने का ये भी तरीका है, मार्जिन डिफाइन करने के भी दोनों तरीके हैं। मार्जिन भी आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम के अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, बॉक्स मॉडल, ठीक है। सो दिस वॉज योर बॉक्स मॉडल एंड दिस कम्प्लीट्स योर CSS ट्रेनिंग। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप की तरफ जाएंगे। बूटस्ट्रैप का मैं यहाँ पे आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ। वॉट इफ के मुझे CSS फाइल मॉडिफाई ना करनी पड़े। मैं आपको एक बूटस्ट्रैप इंट्रो के नाम से एक चीज़ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, HTML का वो कर लेते हैं हम बॉयलरप्लेट, और यहाँ पे इसकी बॉडी में इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप बटन दो आपने बटन की इनपुट्स दे दी, ठीक है। एंड लेट्स कॉपी पाथ डिस्प्ले इट हियर। ये दो बटन्स आ गए जिसके दरमियान अभी तक हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये आई थिंक वैल्यू में लिखते हैं, ओके, देन वैल्यू बटन टू, अच्छा अच्छा ये HR का मैंने आपको बताया ही था, इस तरह के सेपरेटर्स लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब मैं HR नहीं लगाता, यहाँ पे P लगा लेते हैं,
थोड़ा सा गैप देना चाह रहा था बस, ठीक है। तो ये हमारा बटन वन हो गया, ये बटन टू हो गया। अब वॉट इफ के मैं इस बटन को बजाय के इंडिविजुअली अलग अलग क्लासेस इसकी क्लास पे काम करूँ, इसकी लेट से सीएसएस फाइल हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं, लिंक स्टाइल शीट एचरेफ बूटस्ट्रैप। मैं अभी बूटस्ट्रैप आपको सिखा नहीं रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप क्यों इन्वेंट हुआ, क्या आसानी उसमें पाई गई जो बूटस्ट्रैप वाला सिस्टम आया। अच्छा, व्हाट इफ के मेरे पास एक फाइल बनी हुई है सीएसएस, इसको हम कह देते हैं बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस, जिसमें डिफरेंट क्लासेस हों, उसमें हो डेंजर बटन और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड टाइप कुछ डिफाइन हुआ हुआ, ठीक है। एक और क्लास डिफाइन हुई वी ओ, फिर एक और क्लास डिफाइन हुई वी ओ, एक और हुई वी ओ, इसको मैं कह देता हूँ एग्री बटन एंड लेट इट बी ग्रीन, इसको मैं कह देता हूँ वार्निंग बटन लेट इट बी येलो, इसको मैं कह देता हूँ न्यूट्रल बटन एंड लेट इट बी ब्लैक, ठीक है। इसके केस में हम कलर वाइट कर लेते हैं टेक्स्ट का, डार्क कलर उस पर नजर नहीं आएगा ब्लैक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ब्लैक होता है, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप इसके एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें इस तरह की बहुत सारी क्लासेस डिफाइन हुई हुई हैं, आप उसको पूरा पूरा यूज नहीं करते, आप पूरी बूटस्ट्रैप जो है वो लोड कर लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि आप अपने एचटीएमएल में आते हैं, आप सीएसएस में जाते ही नहीं है, ठीक है, आपका सीएसएस काम ही खत्म हो जाता है। आप क्या करते हैं, अब आपका पहला बटन है, आप कहते हैं मैंने इस पर कोई स्टाइल डिफाइन करना है, तो आप सिर्फ इसको पहले को कह देंगे कि मेरी इसकी जो क्लास है ना वो डेंजर बटन है, ठीक है, और मेरी इसकी जो क्लास है वो है एग्री बटन, ये देखें जी। तो बूटस्ट्रैप इज लाइक आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स प्री डिफाइंड है और आप जस्ट उस पर क्लास अप्लाई करते हैं एंड इट गेट्स द राइट अपीयरेंस। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट बूटस्ट्रैप, ये आपके लिए बहुत आसानी कर देती है। बूटस्ट्रैप में बेसिकली आपको सीएसएस फाइल बनानी ही नहीं पड़ती, ठीक है, जो एक चीज़ है ना कि सीएसएस बनानी है फिर उसको चैट जीपीटी से तेज करके बना लें, इफ़ यू गो इन द बूटस्ट्रैप आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, यू डू नॉट नीड सीएसएस फाइल, यू जस्ट नीड नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, उन स्टाइल्स को जस्ट आपने एचटीएमएल कोड में क्लास असाइन कर देनी है, ठीक है, मतलब जिस ब्लॉक को जो स्टाइल देना है उसको वो क्लास असाइन करेंगे, वो बूटस्ट्रैप से उस क्लास का स्टाइल पकड़ लेगा। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करना है जो बूटस्ट्रैप में अवेलेबल नहीं है स्टाइल, उसको आप कस्टम सीएसएस से तब कर सकते हैं, आपको उस चीज़ से कोई रोक नहीं रहा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीएसएस लेक्चर और एंड द बेसिक्स ऑफ बूटस्ट्रैप, इसको हम फाइनली एंड करेंगे अपनी एक असाइनमेंट से, एंड योर असाइनमेंट इज के को मैं असाइनमेंट बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज असाइनमेंट इतनी आसान है आई डोंट थिंक उसके लिए आपको वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट वी नीड टू डू इज हमने ऐसा एक स्पेक्ट्रम बनाना है अपना, एक एचटीएमएल पेज बनाना है जिसमें आपको इस तरह के कलर्स नज़र आ रहे हो, 2D में नज़र आए, ये तो 3D इमेज है, जस्ट एक वाइट पेज हो एंड यू हैव बॉक्सेस ऑफ दीज कलर्स, इसमें आपने इनको एंड से राउंड करना है, ठीक है, और इनके दरमियान स्पेस देनी है, इसमें बेसिकली आपके बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है और चीज़ों को इस तरह लाइन में कैसे स्टैक करना है, उनको कलर कैसे असाइन करना है, ठीक है, बहुत ईजी सी असाइनमेंट है, इसलिए आई डो नॉट थिंक कि ये आपको मुझे करके दिखानी चाहिए, इसका मैं आपको सिर्फ रिजल्ट दिखा देता हूँ कि कैसा होना चाहिए। This is how it should look like, ठीक है, कोई इसमें साइंस नहीं है, कॉर्नर्स राउंड करें ना करें,
ये आप पर है, बस आपने इस तरह के कलर्स की पैलेट बनानी है, ठीक है। अब आपको एक कलर कैसे मिलेंगे, आपने एग्जैक्ट कलर अगर मैच करना है तो उसका तरीका ये है कि आपको एक, आपके लिए मैं एक लिंक दे रहा हूँ, colors.co पे जाएं, ठीक है, एंड पिक अ कलर पैलेट। मे बी अभी इसका सर्वर काम नहीं कर रहा किसी वजह से, जस्ट यू जस्ट मेक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दैट्स इट। ये आपकी टोटल असाइनमेंट है। इसके लिए मैं इसको वीडियो में नहीं ऐड कर रहा बिकॉज इट इज़ टू सिंपल टू वर्क विद। एक स्टाइलिश सब आपने फॉन्ट डालना है, आपकी फॉन्ट का की एक्सरसाइज हो जाएगी, और यहाँ पे आपने मुनासिब सी इन दोनों के एंड पे एक पैडिंग थोड़ी सी बड़ी रखनी है, और दरमियान में थोड़ी थोड़ी मार्जिन रख के उसको डिफरेंट कलर्स असाइन करके आपने डब्बे बना देते हैं। एक मजीद हिंट दे देता हूँ कि दिस कैन बी ईजिली डन बाई टेबल। अब टेबल से कैसे करना है ये आपने सोचना है। थैंक यू सो मच।